80,000 रुपीज़ में लैपटॉप ढूंढ रहे हो, एकदम सही वीडियो पे आए हो। गेमिंग लैपटॉप्स भी बताऊंगा, प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी बताऊंगा एंड जितने भी लैपटॉप्स बताऊंगा उन सभी के मॉडल नंबर के साथ आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है एंड जो भी लैपटॉप आपको पसंद आता है हो सके तो उसको अपने कार्ट में ऐड कर देना सो दैट आप अगर वापस विजिट करो वेबसाइट तो आपको आपके कार्ट में वो प्रोडक्ट मिल जाए एंड आपके लिए ईजी हो जाएगा। खैर लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्रोफेशनल लैपटॉप्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है सो जाके हेल्प कर सकते हो खुद को, मतलब हेल्प योर सेल्फ एंड लिस्ट को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है दैट इज नन अदर देन ASUS TUF Gaming A15 एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुआ था। इसमें आपको राइजन 7 4800H वाला CPU देखने के लिए मिल जाता है, 4.2 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है इसमें एंड 8 कोर का CPU है ये, 8GB DDR4 वाली रैम है बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB एंड इसमें फर्दर आपको 512GB का SSD मिल जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट SSD है। लेकिन हाईलाइट वाली बात ये है कि इसमें आपको RTX 3050 का 4G वाला ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिलता है सो इसमें आपके सारे AAA गेम्स आराम से चल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो आपको ईजिली 4 से 5 घंटे नॉर्मल यूज़ पे ये बैकअप दे देगा एंड अगर आप गेमिंग करते हो तो आप ऑलमोस्ट 2 घंटे तक इसको यूज़ कर पाओगे। डिस्प्ले इसका 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटीलेयर पैनल है एंड ये 45% NTSC के साथ आता है, लेकिन इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है ये एंड वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप भी, क्योंकि आपको काफ़ी तगड़ा CPU मिलता है, GPU भी बहुत ही अच्छा मिलता है, सारे AAA गेम्स चल जाएंगे एंड अगर आपको हाई इंटेंसिव एडिटिंग वगैरह करनी है VFX के साथ तो वो भी ये लैपटॉप आराम से संभाल लेगा। एंड अगर आपको थर्मल्स की चिंता है तो ये 2021 का मॉडल है, इसमें थर्मल्स अच्छे दिए हैं ASUS ने। सो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में जो आता है HP की तरफ से, HP Victus। ये भी थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी इसने क्योंकि इसके स्पेक्स टू प्राइस रेशियो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। सो इसमें आपको राइजन 5 5600H वाला CPU देखने के लिए मिलता है जो कि 6 कोर का CPU है एंड इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.2 GHz की है, 8GB DDR4 की रैम है एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB। इसमें आपको RTX 3050 का 4G वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है सो आपके सारे AAA गेम्स कवर्ड हैं, मतलब ईजिली चल जाएंगे। फर्दर 512GB का इसमें आपको SSD मिल जाता है, NVMe SSD मिलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट SSD है, प्लस आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 16.1 इंचेस का आपको फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाता है, 60Hz का पैनल है, 45% NTSC के साथ आता है बट एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है आपको एंड इस वजह से आप गेमिंग थोड़ी ज़्यादा और बेटर वे में एक्सपीरियंस कर पाओगे। फर्दर अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो नॉर्मल जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उनसे ये बेटर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें आपको नॉर्मल यूज़ पे 5 से 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड गेमिंग करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो एक्चुअली में बेटर है Acer के लैपटॉप से, ASUS के लैपटॉप से एंड MSI के लैपटॉप से। MSI से याद आया, हाँ जो अगला लैपटॉप है दोस्तों वो आता है MSI की तरफ से, MSI Bravo 15 एंड ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में। स्पेक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ, इसमें आपको Ryzen 7 4800H वाला CPU मिल जाता है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले लैपटॉप में। फर्दर मैं ये बताना चाहूँगा इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलता है दैट इज़ Radeon RX 5500M एंड ये एक 4GB का ग्राफिक कार्ड है, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है, इसमें आपके सारे AAA गेम्स चल जाएंगे। इसमें आपको 16GB का एक DDR4 वाला रैम मिलता है, स्टोरेज की बात करूँ तो 512GB का NVMe SSD है, 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है विथ 144Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, लेकिन 45% NTSC के साथ आता है ये। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो MSI के लैपटॉप्स थोड़े बैटरी बैकअप में मतलब पिछड़ जाते हैं, वीक होते हैं, सो इसमें नॉर्मल यूज पे आपको 4 to 4.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड अगर आप गेमिंग करते हो तो 1.5 से 2 घंटे एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं देने वाले बैटरी बैकअप। बट अच्छी बात यह है कि इसके थर्मल्स अच्छे हैं अनलाइक अदर MSI लैपटॉप्स। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, MSI की सर्विस ऑल ओवर इंडिया तगड़ी नहीं है, किसी किसी सिटीज़ में आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है लाइक जनरली मेजर सिटीज़ में, बाकी सारी सिटीज़ में इसकी सर्विस एवरेज रहती है, सो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखना। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सारे अच्छे परफॉर्मेंस लैपटॉप में गिना जाता है ये जो MSI का लैपटॉप है, सो इस चीज़ को भी आप अपने जहन में ज़रूर रखना। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये जो मैंने लैपटॉप बताए काफ़ी तगड़े थे ये तीन एंड 80,000 रुपीज़ को जस्टिफाई करते हैं। एक और लैपटॉप है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग एंड इसमें आपको राइजन 5 5600H वाला CPU देखने के लिए मिलता है, 6 कोर का CPU है एंड RTX 3050 मिलता है, बट अचानक से
अमेजोन ने इस लैपटॉप को गायब कर दिया अपनी वेबसाइट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए तब तो था, अभी लेकिन नहीं मिल रहा है। सो मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट करते रहना, जैसे ही मिलता है आप उसको खरीद सकते हो, वो भी काफी ज्यादा तगड़ा लैपटॉप है। सो अब बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स के बारे में। सो सबसे पहला जो लैपटॉप है वो आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो S540, एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कुछ फीचर्स की वजह से, वो मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं, इसमें आपको i7 11th gen वाला CPU देखने के लिए मिल जाता है, जिसका वेरियंट है 1165G7, 4 कोर का CPU है, 4.7 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है। इसमें आपको 16 GB की DDR4 वाली RAM देखने के लिए मिल जाती है, जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। 512 GB की इसमें आपको NVMe SSD मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग GTA 5 वगैरह, वेलोरेंट वगैरह आराम से खेल सकते हो। डिस्प्ले की बात करता हूँ, ये इसका हाईलाइट है, लाइक 13.3 inches का आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिलता है, प्लस IPS एंटीग्लेयर पैनल है, 100% sRGB के साथ आता है ये लैपटॉप। सो डिस्प्ले इसका बहुत कमाल का है, एंड कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। उसके बाद ये बोलूँगा मेटल बॉडी डिज़ाइन है कम्प्लीटली, फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7 से 7.5 घंटे ईजिली आपको बैकअप दे देगा। सो काफ़ी बढ़िया है ये लैपटॉप, एंड इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है आपको, बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। सो अगर मैं बजट को देखूँ 80,000 rupees, उसमें ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। ऐसे एक और लैपटॉप है जो हमारा अगला लैपटॉप है, दैट इज MI नोटबुक अल्ट्रा। थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइक हाइप मचा दी थी इसने मार्केट में। सो इसमें भी आपको i7 11th जेन वाला CPU देखने के लिए मिल जाता है, बट ये टाइगर लेक पे बेस्ड है, एंड इसमें आपको एच सीरीज का CPU देखने के लिए मिलता है, जो कि है 11370H, एंड ये 4.8 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है, प्लस में आपको 4 कोर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 16 GB की RAM देखने के लिए मिलती है, एंड ये अपग्रेडेबल नहीं है। 512 GB की इसमें आपको NVMe SSD मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मतलब आप गेमिंग वगैरह छोटी मोटी कर सकते हो, एंड इसका भी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब 3.2K वाला डिस्प्ले, मतलब 2K से ऊपर है, 4K से थोड़ा सा कम है। 100% sRGB के साथ आता है, IPS एंटीग्लेयर पैनल भी है, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है आपको इस लैपटॉप में। सो यही बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। प्लस अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये लैपटॉप भी 7.5 घंटे से 8 घंटे के बीच में आपको बैकअप दे देगा। फास्ट चार्जिंग को ये भी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी है, मेटल बॉडी भी मिल जाती है, एंड इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है, अनलाइक जो MI के पुराने वाले लैपटॉप्स आए थे जो होराइजन एडिशन, उनकी तरह नहीं है, इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, एंड दोनों ही लैपटॉप में आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है। सो ये बोलूँगा, ये दो लैपटॉप्स बहुत ही कमाल के हैं, लाइक अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहते हो, एंड प्रोफेशनल यूज़ के लिए जितने भी लैपटॉप्स होते हैं वो जनरली छोटे होने चाहिए, स्लीक दिखने चाहिए, हल्के होने चाहिए, एंड बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। सो इनमें आप एडिटिंग का काम कर सकते हो, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, ये सारा काम इजीली इन लैपटॉप्स में कर सकते हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर वेट की बात करूँ तो दोनों ऑलमोस्ट 1.5 kg के आसपास हैं, लाइक 150-200 ग्राम ऊपर नीचे होंगे, सो उस मामले में भी ये तगड़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी हैं। प्लस दो लैपटॉप्स और हैं, लाइक लेनोवो का एक आता है IdeaPad Slim, एंड वो जो लैपटॉप है उसमें Ryzen 7 5700U वाला CPU देखने के लिए मिलता है, जो 8 कोर का CPU है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा CPU है। उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 16 GB RAM के साथ आता है, बढ़िया लैपटॉप है, बट उसका डिस्प्ले 45% NTSC के साथ आता है। एंड एक और लैपटॉप है दोस्तों, वो आता है HP की तरफ से, उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो मैंने लेनोवो वाले में बताए, बट उसमें आपको 2 GB का डेडिकेटेड MX सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नेसेसिटी है तो आप उस लैपटॉप को खरीद सकते हो। इन दोनों ही लैपटॉप्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रिंट कमेंट में दे दूंगा मैं, बाकी सारे लैपटॉप्स के लिंक के साथ। आई होप आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आई होगी। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे देता हूँ। एंड अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के साथ मैं आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक ओवर एंड आउट।